तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो ये सांप आप देख रहा है हमारे साथ, ये एक ऑर्निट फ्लाइंग स्नेक है। हमारे एरिया में बहुत कम मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र का ही ये सांप है, लेकिन फिर भी हमारे एरिया में बहुत कम मिलता है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, क्लोज शॉट्स आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये तीन मॉर्फ्स में पाया जाता है ये सांप। ये जो मॉर्फोलॉजी आप इसकी देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड रेड स्पॉटेड मॉर्फोलॉजी है। एक ग्रीन मॉर्फोलॉजी में भी ये आता है, और एक और है जो श्रीलंका में पाया जाता है, थोड़ा सा अलग मॉर्फ का है वो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको हिंदी में तक्षक कहते हैं। हालांकि कहानियों वाला तक्षक से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके रंग के कारण जो है इसको नाम दे दिया गया है कि ये तक्षक, यही तक्षक ना गया। हमने पिछले वाले वीडियो में भी ये भ्रम आपका दूर किया था। तो अब बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक चीज़ों पे कि ये जो सांप है ये कौन सी फैमिली से आता है। तो ये सांप कोलुब्रिड फैमिली से आता है, जिसमें ज़्यादातर सांप बिना जहर के होते हैं, लेकिन कोलुब्रिड फैमिली से ही कुछ ऐसे सांप है जो काफ़ी जहरीले होते हैं, जिसमें बूम स्लैंग का नाम आता है। ये सांप हालांकि माइल्ड जहर वाला होता है। और दोस्तों ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो छलांग है इसकी, इसका ये ग्लाइडिंग स्नेक है, एक्चुअली फ्लाइंग तो नहीं है, ग्लाइडिंग स्नेक है। इसकी जो ग्लाइड है वो मैक्सिमम अब तक 100 मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेसिमेन, ये फुल साइज स्पेसिमेन है, इसका एडल्ट स्पेसिमेन है। ये लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है, मेरे को लग रहा है ये शायद 1.25 मीटर के आसपास का है ये, और ये अपने फुल साइज़ का स्पेसिमेन है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। ये लगभग 6 से लेकर 12 अंडे मई और जून महीने में देते हैं, और जो है इनका जो हैचिंग पीरियड होता है वो तकरीबन 35 से 50 दिन के आसपास का होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी छोटी मक्खियाँ जो हैं वो थोड़ी सी परेशान यहाँ पे कर रही हैं। आप इसको सामने से देखिए, इस सांप को बहुत ही खूबसूरत ये सांप है। हमने आपको बताया ये ओवी पैरस होते हैं। और दोस्तों एक जो ख़ास बात है इस सांप की वो ये है कि ये जो है ग्लाइडिंग स्नेक में ये दूसरे ऐसे सांप हैं जो इतने लंबे दूरी तक जो है छलांग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर तक इसको रोक के रखना ना सांप के लिए सही है ना हमारे लिए। आप देख सकते हैं ये एरिया हमने चूज़ किया इसके लिए, ये एक डीप जंगल का एरिया है, नाला बह रहा है और काफ़ी घने और ऊंचे पेड़ भी यहाँ पे हैं। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट इसके लिए है। और ये सांप भी ड्यूरनल है, ये दिन में निकलने वाले सांप होते हैं, रात को ये आपको नहीं दिखेंगे। और बाकी अगर आपके दिमाग में और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब जो है आपको वहाँ पे दिया जाएगा। इससे पहले भी ये सांप हमने एक बार निकाला था, लेकिन वो उसका छोटा स्पेसिमेन था। ये एक काफ़ी अच्छा स्पेसिमेन है और काफ़ी फुल साइज़ अच्छा स्पेसिमेन है। तो आइए इसको अब रिलीज़ करते हैं। ये पेड़ इसके लिए जो है ऐसा लग रहा है कि सही होगा, तो इस पेड़ पे इसको रिलीज़ करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरफ जाना पसंद करेगा, थोड़ा सा ऐसे। और देखिए आप ये किस तरीके से जो है पेड़ पे आगे बढ़ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा जाके इसको कैप्चर करे इसका मूवमेंट। और देखिए ये शायद ऊपर की ओर निकल गया है, और कितनी तेज़ी से ये जा रहा है। दोस्तों आप देखिए, बिल्कुल भी इसने समय नहीं दिया और ये आगे की ओर निकल गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों सांपों को पकड़ने का और छोड़ने का। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी मक्खियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया है बहुत परेशान कर रही हैं यहाँ पे। साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बता रहा था कि ये सांप जो हैं ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं, और मई से जून महीने के बीच में इनके अंडे जो हैं देखने को मिलते हैं। इनकी डाइट क्या होती है दोस्तों? इनकी डाइट में शामिल है बर्ड्स के अंडे, पेड़ों पर रहने वाले गेकोज, और कभी कभी इनको छोटे मोटे सांप भी खाते हुए देखा गया है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मेंढकों को नहीं खाते हैं, लेकिन मेंढक भी कभी कभी इनको खाते हुए जो है वो देखा गया है। एक्चुअली प्रकृति इतनी विशाल है और
प्रकृति के इतने आयाम हैं दोस्तों कि इनको कम समय में जान पाना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत समय लगता है। धीरे धीरे ही हम प्रकृति को समझते हैं। और ये सांप देखिए, अब आपको दिखेगा भी नहीं, ये गुम सा हो गया है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है इनको जंगलों में रिलीज़ करना। और जो मैक्सिमम इनकी लंबाई देखी गई है दोस्तों इन सांपों की, वो लगभग 4.5 फिट के आसपास देखी गई है। ये मेरे ख्याल से 3.5 फिट 4 फिट के आसपास का रहा होगा, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा ये और ग्रो करेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली एडल्ट है। इसको टाइप 5 से निकाला गया था, टाइप 5 फचेली से निकाला गया था। गार्डन में जो है ये सांप घूम रहा था। दोस्तों उम्मीद है कि ये सांप और इसका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर पहचाना होगा। हिंदी में जो है इसको तक्षक कहते हैं, काला जिन भी जो है इसका एक नाम है, और बांग्ला में काल नागिनी कहते हैं इसको। इसका वेनम जो है दोस्तों बहुत माइल्ड होता है, बहुत हल्का होता है, इंसानों के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है इसका वेनम। छोटे जीवों की ही जान लेने के लिए जो है इसका वेनम जो है वो इस्तेमाल होता है। पेड़ों पे रहते हैं जीव, तो वो बहुत तेज़ मूवमेंट करते हैं, तो उन तेज़ मूवमेंट करने वाले जीवों को जल्दी से जो है रोकने के लिए इसका जहर काम आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस सांप से जुड़े या किसी भी सांप से जुड़ी कोई भी सवाल आपके अगर दिमाग में है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सांपों को बचा के पर्यावरण के संरक्षण में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। हमें हमारे नंबर पर कॉल करके आप किसी भी सांप को रेस्क्यू करने के लिए बता सकते हैं जो आपके घर के आसपास या आपके घर में हो। आज के लिए इतना ही। मैं अमित, टीम एजियन से, जय हिंद जय भारत।